up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, मेरे को जिम जाए हुए, वर्कआउट किए हुए, डंबल से, मशीन से अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हो चुके हैं। और भाई, आज फाइनली एक अच्छी चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जो कि है वर्कआउट, जो कि मैं 3 महीने से नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई क्या करें, कैसे अपना होम जिम सेटअप करें। फाइनली भाई, मैंने सोच लिया कि अपना होम जिम सेटअप कर लूँ, और जो कि मैं सामान ले आ चुका हूँ। और बहुत ही ज़रूरी है गाइस वर्कआउट करना आप लोगों के लिए, ये मेरे को 3 महीने में पता चल गया है। और आपको आने वाले टाइम में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि मज़ा आ जाए आप लोगों को। होम जिम सेटअप आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप हर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हो, सब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई, फिलहाल तो मैंने सुबह उठकर पानी पिया है, जो कि ये रखा है यहाँ पर। ठीक है काकू बेटे, उठ गया। और फाइनली आज से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, क्योंकि 3 महीने बाद वर्कआउट करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने अपना वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है, जो जिम के भरोसे बैठा है, तो भाई अपना जिम स्टार्ट कर दो, घर पे अपना सेटअप कर लो। ये देखो, पता है ना बच्चे क्या खेलते हैं आजकल पूरा दिन, कमेंट में बताओ क्या खेल रहे हो। तो भाई, जिम सेटअप हो चुका है, सप्लीमेंट मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बता देना आपको जो भी वीडियो चाहिए होम वर्कआउट से रिलेटेड। मैं आपको डंबल दिखाता हूँ जो मैं लाया हूँ, और जब सेटअप करूँगा ना अच्छे से, शाम को भी बहुत धूप है। और ये है यहाँ पर सामान, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा सेटअप कैसे करना है। अंदर आ जा बेटे। तो भाई, मेरा चिकन भी आ गया है, अब से डाइट बढ़िया चालू होगी। ठीक है, अब मैं चिकन बाद में खाने वाला हूँ, एक्सरसाइज के बाद। बट काकू है, काकू मान नहीं रहा, इसको थोड़ा सा तो खिलाना पड़ेगा मेरे को। ये तो ऐसे हम चबा रहे हैं ना, चबाता भी नहीं है। ले तो गाइस, ये है बेसिकली मेरा जिम का सामान, जिसमें ये है डंबल जो भारी है। मैं पहले इन्हें ऊपर चढ़वा देता हूँ भाई। हेलो, जिम स्टार्ट होने से पहले ना 25 किलो के डंबल ऐसे लग जाते थे बढ़िया तरीके से। With a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. तो भाई, सारा सामान रख दिया है ऊपर है, मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले मैं थोड़ा BCAA पी लूँ, क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए। मैं एक डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो बाद में बताऊँगा आपको। कमेंट करो अगर आपको डाइट चाहिए प्रॉपर, बॉडी को जल्दी कैसे रिकवर करे। एक अलग ही मोटिवेशन आज मेरे अंदर वर्कआउट करने की। तो भाई, ये है 3 महीने मैंने वर्कआउट नहीं करी है, ये बचा है मेरा बाइसेप्स। ठीक है, बाकी अभी स्टार्ट करते हैं, आग लगा देंगे।
ECAA है कहाँ? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई कि BCAA आप ले रहे हो या EAA ले रहे हो आप, क्योंकि EAA अब तो नई फॉर्म आ गई है, बढ़िया फॉर्म है, BCAA से ऊपर है EAA, तो अब कब पीना चाहिए आपको? तो भाई बेसिकली या तो आप जिम से पहले पियो ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी चली जाए, ठीक है। इसका फायदा क्या, मेरी बॉडी में जब BCAA जाएगा मेरे जो मसल टैंक है फुल हो जाएंगे, मेरे को एनर्जी मिलेगी। या तो आप ड्यूरिंग पी सकते हो, अगर आप पूरे दिन कुछ कुछ खाते रहते हो, आप बाद में वर्कआउट कर रहे हो नॉर्मल डाइट में, तो आप ड्यूरिंग वर्कआउट पी सकते हो, वो भी बढ़िया है, आपकी मर्जी है, मैं पहले पीता हूँ। अब मजा आने वाला है भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डंबल से वर्कआउट करना, एक रॉड है जो कि मीडियम साइज की है, उसमें प्लेट लगा के सारी वर्कआउट सब कवर कर दूंगा मैं, हर बॉडी पार्ट आपको दिखाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, कौन से बॉडी पार्ट की कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में बताओ कि कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो भाई BCAA पी लिया है, अब तो आग लगा लेंगे, आज बढ़िया वर्कआउट करूंगा। अब जो स्टार्टिंग के दिन है उसमें फुल बॉडी पार्ट कवर करें, क्योंकि भाई पहले दिन अगर आपने ज़्यादा जोश दिखा दिया और वहाँ पर आपके बॉडी में इतना पेन होएगा ये मैं समझ गया हूँ, क्योंकि मैंने कल पहले डंबल उठा के कार में रखे, फिर कार से बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ रहा था फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ से मैं ये लाया हूँ अपने डंबल, ठीक है। अब घर पर लाया कार को, फिर मैंने डंबल निकाले, प्लेट निकाली, ऊपर रखे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में, अब मैं इसको सेकंड फ्लोर पे ले गया हूँ टॉप पे। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करूँगा चेस्ट से और बताऊँगा आपको, अगर वीडियो बनानी है तो बता देना कमेंट में कि हर दिन आपको घर पे कौन सी वर्कआउट लगानी, क्योंकि घर पे जब वर्कआउट होएगी तो सारी अलग होएगी, वो जिम वाला आप प्रॉपर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मशीन नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वार्म अप पुशअप से। छत पे और हमारे वर्कआउट कर रहे हैं, स्टार्ट है अपना डंबल से चेस्ट वर्कआउट, और भाई यहाँ पर वार्म अप चल रहा है फिलहाल ये। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही है ना बहुत वेट उठा लेते हैं जिम में जाके, और फिर सोचते हैं भाई साहब हमारी तो मसल में पेन हो रहा है, अब तो बॉडी बनेगी हमारी। बेसिकली गाइस क्या होता है, आप ज़बरदस्ती अपनी मसल को ट्रेन कर रहे हो तो मसल सोरनेस हो जाती है, ठीक है, फिर मसल में पेन होता है, तो आप सोचोगे भाई बॉडी बन रही है, 10 दिन बाद जिम जाके छोड़ देते हैं। तो स्टार्ट करो अपना हल्के वेट से करो, धीरे 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 करके जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, जब आप में पावर हो जाए, तब करो बढ़िया से। थोड़ा डंबल को मैंने वेट बढ़ा लिया, 10 किलो के डंबल है, चेस्ट वर्कआउट। के 3-4 सेट लगाऊंगा, बाद में पूरी बॉडी को आज कवर करूंगा, ऐसे ही एक हफ्ता लगाऊंगा, ठीक है, ताकि बॉडी ठीक से रिकवर हो जाए, जान आ जाए कि भाई अब दबा के वर्कआउट कर, तब मजा आएगा, ठीक है। बाकी भाई जिम सेटअप देख लो मेरा क्या है, ये है मेरे डंबल, ये है बेंच, ये है रॉड, और ये भाई यहाँ पर प्लेट रखी है 7.5 की, 2-10 की, ये 2-10 की है, ये रॉड भाई जिसमें सब मैं यूज करूँगा, ये 17.5 के डंबल है, ये 25 के डंबल है, ये 5 के डंबल है, और भाई ये 10 के डंबल है, ठीक है। तो भाई अपना जिम सेटअप हो गया है, बाकी अब आग लगा देंगे, वापस से बढ़िया साइज कर दूंगा, बाकी भाई उड़ाओ पतंग उड़ाओ, हम वर्कआउट कर लेते हैं, लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो भाई अगला सेट है अपना, ये भारी डंबल में ले रहा हूँ 17.5 किलो के चेस्ट प्रेस के लिए। यार जिम में जाके जो मोटिवेशन आती है ना, और कुछ भी हो कैसा भी मूड हो, बस जिम में जाके अपना दबाव के मारो एक्सरसाइज, मजा आ जाता है। तो भाई अब तो जिम तो है नहीं, तो घर पे अपना जिम है, अब हमें जिम में जाने की जरूरत नहीं है, अब घर पे बॉडी बनाएंगे,
और जो लोग सोचते हैं ना कि घर पे बढ़िया बॉडी नहीं बन सकती, तुम्हारा भाई बना के दिखाएगा तगड़ी। और तुम्हें डंबल उठाने का एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना, कितने भी भारी डंबल हो, इस पैर को ऐसे करना, फिर इस पैर को, यानी कि दोनों उठा लिए, देखो ये वाला पैर का ऐसे लाया और इसको ऐसे ले गया, डंबल आगे है ऊपर। मैं सारी वर्कआउट कर लूँगा, आपने देख लिया मेरा जिम सेटअप। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लेग एक्सरसाइज के लिए कुछ देखना पड़ेगा, अगर हुआ तो ये वाली जो ओलंपिया रोड होती है ना, ये ओलंपिया रोड लाऊंगा, फिर रखूँगा यहीं पे लंजेस, वॉकिंग लंजेस, वॉकिंग लंजेस, वॉकिंग लंजेस, स्क्वाट्स मारो दबा के घर पे जितने हो सके, ठीक है? तो बॉडी तो ग्रो होगी ही होगी, ठीक है? बाकी गाइस ये है मेरा जिम सेटअप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई की वीडियो को लाइक करें, 5 मिलियन कराए अपने भाई के, 4 मिलियन हो गए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और भाई सबसे पहले सब्सक्राइब मारो, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, लाल कलर का बटन है, साइड बन जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। और भाई घंटे को जरूर दबाए, सब्सक्राइब के साइड में होगा, हर किसी को घंटा जरूर दबाना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके भाई की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए कि भाई की वीडियो अपलोड हो गई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सेम अकाउंट है रोहित कदरी फिटनेस के नाम से, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट दिखाते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुम्हारा भाई मस्त मस्त फोटो डालता है। चिल्ड्रन ऑफ पीस गेम्स।